अगर लोग भगवान मानते हैं मोदी जी को, मोदी जी को भगवान मानते हैं, पागल तुम, बच्चे हो तुम, हाँ, नंगा फुल रहा देखो, पास करोगे मोदी जी को, मोदी जी को पास करोगे, विरोध करने का तरीका होता है, कोई नेता पसंद नहीं है तो उसका तरीका होता है। हमें भी लालू जी पसंद नहीं है, हमें भी सोनिया पसंद नहीं है, हम भी विरोध करते हैं तो तरीके से विरोध करते हैं। तुम नंग रंग फूटे लगोगे, हिंदुस्तान है ये, पाकिस्तान नहीं है। याद रखना, काम पकड़ो, उठा बैठे करो, यहाँ चलो। एवन पंजाबी दी नवी अपडेट लई बेल आइकन नु क्लिक करो ते एवन पंजाबी नु सब्सक्राइब करो। क्या करता है जी, पागल हो गया तू? मोदी जी का हम भगवान मानते हैं, मोदी जी को मोदी जी को भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं मोदी जी को। हाँ, गलती क्या हो गई? पागल तुम, बच्चे हो तुम, हाँ, नंगा फुल रहा देखो, पास करोगे मोदी जी को, मोदी जी को पास करोगे, काट के फेंक देंगे सारे लोग पब्लिक। मोदी जी को भगवान मानते हैं हम लोग, झूठ मत बोलो। बच्चे डालते हैं, पहले भी डाले हो, झूठ मत बोल, सच बोल। हमेशा नहीं डाले, पहले भी उनका विरोध डाले हो जी, ये तो हम लोग बताइए। विरोध करने का तरीका होता है, कोई नेता पसंद नहीं है तो उसका तरीका होता है। हमें भी लालू जी पसंद नहीं है, हमें भी सोनिया पसंद नहीं है, हम भी विरोध करते हैं तो तरीके से विरोध करते हैं। कि तुम नंग रंग फोटो डालोगे, गलती हो गया है, हिंदुस्तान है ये, पाकिस्तान नहीं है। याद रखना, मानसिकता अपनी चेंज करो, या बीमार मानसिकता खत्म करो अपना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम हमारे दोस्त बन के रहोगे तब तो रहोगे हिंदुस्तान में। गलती हो गया है, काम पकड़ो, उठा बैठे करो, यहाँ चलो। पाप किया हो, गलती नहीं है, ये पाप है, काम पकड़ो, उठा बैठो, जीवन में कभी फिर गलती, ये दुनिया जाने की आज के बाद, काम पकड़ो, चलो इधर आओ, चलो जल्दी करो, काम पकड़ो, काम पकड़ो, उठा बैठे करो, चलो। गलती नहीं हुआ है, ये जान लिया, दोबारा हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। मोदी जी का नंगा फोटो डाला गया है, मोदी जी का नंगा फोटो बांस पर टांगा गया है, मेरा जो है डाला हुआ है। आप विरोध कीजिए, हम मना नहीं करते आपको विरोध करने से, लेकिन एक तरीका होना चाहिए ना विरोध करने का। ऐसी बात नहीं, वो गलती बच्चा लोग किया है, बच्चा लोग चला, फिर बच्चे का नाम खराब करो, यानी बच्चा और चढ़ रहा होगा, वो तो आतंकवादी हुआ कल का, देश का आतंकवादी बनेगा वो तो, अभी से जब उतना जहर उगल रहा है तो। काम पर उठो, पैसे करो, सजाइए, तो सब लोग आग लगने जा रहे हैं, सब पब्लिक जा रही है, पूरा पब्लिक इंतजार करिए, वहां अर्कसरी बजा में सब खड़े हैं, एक ईट नहीं बचेगा यहाँ। काम करो, उठो, पैसे करो, चलो। नहीं नहीं चलो, कोई गलती नहीं, ये गलती नहीं है, जानबूझ के साजिश है, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ ये साजिश है। फिर बोल रहा हूं मैं, चलो, ये बहुत बड़ा पाप है, हमारे लिए पाप है, ये गलती नहीं हो सकता। हम सारे मुस्लिम भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन कौन जो देश प्रेमी है। कान पकड़िए, जब पब्लिक बोलेगी तो कान पकड़िए। जय श्री राम। Now, Avan Punjabi launched a newspaper, The Power of Words. Now, you check out all our daily updates on our website www.avanpunjabi.com and all updates on our social networks, Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Thank you. मैं अपने ए मोड़ियां थे, गोड़ियां तो बहुत दुखी सी। मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इतना औखा है कि मैं दस भी नहीं सकता। पर जब तो मैंने फिर रिलीफ मिले है, 2-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके, मोडे भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2-3 महीने, ये 125 बीमारियां तक इलाज कर सकता है। फिर रिलीफ हमेशा याद रखो, बस।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।